हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेफर्स एजुकेशन। आई एम रिचा तापड़िया एंड आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था दैट इज मैनेजमेंट, जो हमने मैनेजमेंट चैप्टर देखा था, अब उसी से लिंक मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर, क्योंकि वो क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो उसी का वीडियो अगर आपने देखा है तो ये चैप्टर तो आपको बहुत ईजी लगेगा, क्यों, क्योंकि उसी से थोड़ा बहुत लिंक है ये चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? जब हमने मैनेजमेंट देखा तो उस केस में हमने देखा कैसे मैनेजमेंट होता है, कैसे बिजनेस अगर है तो उनको क्या क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे वो प्रॉपरली मैनेज करके कैसे अपने बिजनेस में सक्सेस अचीव कर सकते हैं, राइट। अब ये जो हमारा चैप्टर है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो इसके अंदर प्रिंसिपल्स आर नॉट द रूल्स। ये कोई रूल्स नहीं कि आपको फॉलो ही करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये फॉलो ही करो, आपको बिजनेस में तो ये मस्ट है फॉलो करना, नहीं। प्रिंसिपल्स मतलब होते हैं गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस दी गई है जो अगर आपको लगता है आपके बिजनेस में आपको ये फॉलो करना चाहिए, सो यू कैन फॉलो दैट। तो उससे क्या होगा, आपका बिजनेस और इजीली स्मूथली मूव करेगा। सो दैट आर द प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स किसने दिए हैं, बहुत सारे हम देखेंगे यहाँ पे, अलग अलग ऑथर्स हैं जिसने अपने बिजनेस में कुछ सिचुएशंस फेस की है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारी सिचुएशंस उनके लाइफ में जब बिजनेस चला रहे थे तब आई, तो उस केस में उन्हें वो फेस कैसे किया जाए उसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ गाइडलाइंस दी। कैसे उन्होंने वो फेस किया, उनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में उन्होंने कैसे फेस किया, उन्होंने वही हमारे यहाँ पे बुक में दे दिया है कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये गाइडलाइंस यूज कर सकते हो अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो वही चीज हम देखने वाले, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्लेस रोल ऑफ अ गाइड फॉर मैनेजर्स। जो मैंने बताया ये एक तरीके से क्या, सिर्फ गाइडलाइंस है, ये ऐसे नहीं है कि आपको ये फॉलो ही करना है। प्रिंसिपल्स आर नॉट दी रूल्स, ये कोई रूल्स नहीं है, एंड इट इज ऑनली द सम एंड सब्सटेंसेस ऑफ अजम्पशंस, ट्रेडिशंस एंड एक्सपीरियंसेस, जो उन्होंने और हमारे अलग अलग एक्सपर्ट्स ऑथर्स ने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसी को उन्होंने यहाँ पे प्रिंसिपल बना के बताया है। एंड डिटेल एंड परफेक्ट गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो कैसे हमें डिसीजंस लेने हैं, कैसे हमें उसे इंप्लीमेंट करना है, वही चीज उन्होंने हमें बताया है इन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब क्या नेचर है इसका, हम वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दैट इज यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। यूनिवर्सल मीन्स कोई भी बिजनेस है, लार्ज स्केल पे है, स्मॉल स्केल पे है, कितना भी छोटा बिजनेस है, उसके अंदर भी ये प्रिंसिपल्स फॉलो हो सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि जो गाइडलाइंस दी है सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन ही यूज कर सकते हैं, नहीं, ये कोई भी बिजनेस है, उन्हें कभी भी जरूरत पड़ती है तो वो ये प्रिंसिपल से अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं। ये एक तरीके से गाइडलाइंस उन्हें देगा। क्लियर? सो दिस इज यूनिवर्सल। देन फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल ये कैसे हुआ कि इस तरीके से ये फ्लेक्सिबल है कि प्रिंसिपल जरूरी नहीं है कि हम हर बिजनेस में यूज करें। अगर मैं बोलूंगी यार मेरा तो बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उस केस में हमारा एक प्रिंसिपल होता है, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क, जो आप आगे देखोगे। तो डिवीजन ऑफ वर्क, अगर मैं बोलूं लार्ज स्केल पे हमारा बिजनेस चलता है तो लार्ज स्केल के अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क बहुत अच्छे से मेंटेन होगा, राइट क्योंकि हम किसी को कुछ वर्क दे देंगे, किसी को वर्क कुछ और दे देंगे, किसी को परचेज दे दिया, किसी को सेल दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, तो ये क्या हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। लेकिन वही चीज अगर हम छोटे बिजनेस में देखेंगे तो उनके केस में डिवीजन ऑफ वर्क की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, वो बोलेंगे काम ही इतना सा है क्या डिवाइड करूं मैं, राइट। जैसे तुम बोलते कि काम छोटा भी है तो भी आप वर्क को डिवाइड कर दो, लेकिन जितने अच्छे से लार्ज बिजनेस में हमने डिवीजन किया है क्या उतने ही अच्छे से हम छोटे बिजनेस में कर पाएंगे डिवीजन, नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा उस तरीके से। डिपार्टमेंटल को हम डिवाइड कर रहे हैं वैसे ही क्या छोटे बिजनेस में होगा, नहीं होगा। तो वही वो बोल रहे फ्लेक्सिबल है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जरूरी नहीं है आप डिवीजन ऑफ वर्क हर बिजनेस में लगाओ, नहीं, जिसको जरूरत है वो लगाएगा, तो दैट इज कि ये अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल हो जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जनरल गाइडलाइंस। अब जनरल गाइडलाइंस क्या है, जैसे मैंने कहा कि ये एक तरीके से जनरल गाइडलाइंस है जो कोई हर कोई फॉलो कर सकता है, जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर बिजनेस के लिए ये दिया गया है कि टेक्सटाइल है तो आप ये लगाइए,
कोई अगर अदर गारमेंट्स रेडी गारमेंट्स का है तो उस केस में आप ये गाइडलाइंस लगाइए, नहीं ऐसा कुछ नहीं दिया गया। जनरल गाइडलाइंस दी है जो कि आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुली उसे यूज करके अपना सक्सेस कर सकते हो बिजनेस, तो ये जनरल गाइडलाइंस कुछ दी गई है। देन नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अब ये ह्यूमन बिहेवियर पे कैसे बेस करता है? ह्यूमन बिहेवियर जैसे हम बोलते हैं जो मैनेजमेंट है वो किसके ऊपर होगा? ह्यूमंस पे होगा, और मैनेजमेंट जो कर रहा है वो कौन है? ह्यूमंस है। तो ये एक तरीके से हमें प्रिंसिपल्स कौन से लगाने हैं, हमारे बिजनेस के अंदर कौन से एम्प्लॉयज हैं, उनका एटीट्यूड क्या है, उनका नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, राइट? ऐसे तो नहीं है मैं कोई भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल यहाँ लगा लूंगी, नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ कैसे एम्प्लॉयज है, क्या वो फॉलो करेंगे? मैंने कहा कि डिविजन ऑफ वर्क मैंने तो दे दिया, ठीक है, मैंने सब में डिवाइड कर दिया, काम इसको ये करना है, उसको वो करना है, इस तरीके से मैंने डिविजन दे दिया वर्क। लेकिन लोग अगर जो मेरे एम्प्लॉयज है वो चाहते ही नहीं कि हम एक ही वर्क करें, वो लोग इससे हैप्पी नहीं है, वो लोग चाहते कि हम मिलके करें हर काम, तो क्या मैं डिविजन ऑफ वर्क लगा सकती हूँ? नहीं लगा सकती ना, क्योंकि मेरे एम्प्लॉयज का बिहेवियर ही नहीं है, वो एटीट्यूड ही नहीं है। और आज के टाइम पे हमें हमारे एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। ऐसे नहीं है मैंने बहुत बॉसी नेचर है, मैंने बोल दिया आपको तो ये करना है तो करना ही पड़ेगा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके एम्प्लॉयज का जो एटीट्यूड है, नेचर है बेटा, उस पर डिपेंड करेगा, क्लियर? तो ह्यूमन बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपका मैनेजमेंट नेचर डिसाइड होगा। एंड लास्ट इज कंटिजेंसी। अब कंटिजेंसी कैसे हमें बताएगी, हमारे हेल्प करेगी प्रिंसिपल्स हमें? तो देखो, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, बिजनेस में कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ सकती है फ्यूचर के अंदर, कभी फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, और मेरा बिजनेस तो गया काम से। तो उस केस के अंदर ये कंटिजेंसीज को कैसे मुझे मैनेज करना है फ्यूचर के अंदर, ये मुझे कौन सिखाएगा? ये प्रिंसिपल सिखाएंगे मुझे। क्या मुझे पता है आगे क्या होने वाला? नहीं, लेकिन जब हम ये प्रिंसिपल स्टडी करते हैं तो ऑथर्स ने हमें ये बताया है कि आप कैसे आगे अगर कोई कंटिजेंसी आती है तो उस केस में आप वो चीज को कैसे फेस कर सकते हो कि आपका बिजनेस पूरा फिनिश नहीं होगा, एंड अप नहीं आएगा, आप लिक्विडेट नहीं कर पाओगे, अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हो। तो वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स में ये सब चीजें बताई। तो ये अपने नेचर्स देखे कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, क्लियर? देन नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस। अब मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट वन, इंक्रीज इन मैनेजेरियल एफिशिएंसी। देखो, मैनेजेरियल एफिशिएंसी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगी, हमें पता है कि हमें कोई गाइड कर रहा है, हमारे पास गाइडलाइंस दी है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की कि इस तरीके से हमें काम करना चाहिए। तो उस केस के अंदर क्या होगा, मेरी एफिशिएंसी लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास गाइडलाइंस है, इतने बड़े बड़े एक्सपर्टाइज ऑथर्स ने मुझे गाइडलाइंस दे के रखी है, प्रिंसिपल्स दे के रखे। तो जब हमारे पास प्रिंसिपल्स है तो उस केस के अंदर हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, कोई भी अगर प्रॉब्लम फेस करनी है तो कैसे करनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मेरा एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज मैक्सिमम यूसेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये कैसे हुआ यार, हम लोग बिजनेस तो कर लेते हैं बट हमें यही नहीं पता कि कितना वेस्टेज हो रहा है, कितना रिसोर्सेज कहाँ लग रहा है, यही नहीं पता। एम्प्लॉयज इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतना यहाँ पे गॉसिप्स चलता है, यहाँ पे ब्रेक जब लेते हैं लंच के लिए तो इतना टाइम वेस्ट करते हैं, राइट? रॉ मटेरियल्स को इस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं किस तरीके से काम हो रहा है। तो ये क्या है, ये वेस्टेज हो रहा है रिसोर्सेज का, क्या प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है? नहीं, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, और मैनेजमेंट हो भी रहा है तो उसे अच्छे से देखा नहीं जा रहा है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करने से आपकी ये चीज जो है वो सही हो जाएगी कि किस तरीके से आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपके रिसोर्सेज का करना चाहिए, आपके मनी का करना चाहिए, आपके रॉ मटेरियल्स का करना चाहिए, आपके स्टाफ का करना चाहिए। तो वो हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताता है, क्लियर? नेक्स्ट इज हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन। कोई भी लॉजिकल कि यार मुझे इस टाइम पे क्या डिसीजन लेना चाहिए, कुछ भी साइंटिफिक डिसीजन हो गए, कुछ मुझे फैक्ट्स कलेक्ट करने हैं, राइट? तो उस केस के अंदर भी हमें हेल्प करते हैं प्रिंसिपल्स कि आपको किस टाइम पे किस फैक्ट्स को आपको यूटिलाइज करके डिसीजन लेने हैं। तो ये क्या है, जब मैं प्रिंसिपल्स स्टडी करूंगी तो उस केस में मुझे ये सब चीजें भी समझ आ जाएगी कि मुझे किस तरीके से डिसीजन लेने पड़े, क्लियर? देन टू कोप अप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट कैसे चेंज हो गया, आज ये चीज की डिमांड है, कल उस चीज की डिमांड है, डिमांड ऐसे चेंज होती है, ऐसे ही आप सबको पता है, पता है नहीं पता
कैसे चेंजेस होते हैं डिमांड की। हमारा नेचर है यार, हमें तो आज ये चॉकलेट दिख रही है, आज ये वेफर्स आ गए, आज ये बिस्किट्स आ गए। हम देखिए कितने न्यू, और हमें ज्यादा खाना पीने का तो बहुत ज्यादा ही शौक है ना, सूरतीज है, तो सूरतीज वालों को क्या होता है, ज्यादा फूडी नेचर रहता है सूरतीज का। तो उस केस के अंदर हम देखते हैं कोई भी न्यू चीज आती है, चलो हम कोई रेस्टोरेंट में भी चला चले जाते हैं तो हम देखते हैं ये कुछ नया दिख रहा है, ये ट्राई करते हैं ना। तो ये सब क्या है, ये चेंजिंग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं डिमांड भी चेंज होती है। तो जब डिमांड चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग क्या बिजनेस में भी चेंजेस होने चाहिए, होने चाहिए। तो वो कैसे आप करोगे, आप बोलोगे यार कितने टाइम से तो मैं यही कर रहा था, मैं कैसे चेंज करूं, तो वो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताएगा कि कैसे कोप अप आप कर सकते हो। लिया नेक्स्ट, टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मेरा एम सिर्फ ये रहना चाहिए मुझे प्रॉफिट ही अचीव करना है, सिर्फ मैं प्रॉफिट अर्न करते जाऊं, नहीं ना, मुझे मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कस्टमर्स के लिए सोचना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कैसे मैं मेरी कॉस्ट को कम कर सकूं, उनके लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकूं। और मेरे लिए तो प्रॉफिट होना ही है लेकिन उनका भी प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं तो कौन आएंगे मेरे पास, क्या कस्टमर्स आएंगे मेरे पास, नहीं आएंगे। तो इस तरीके से मुझे मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड लास्ट इज यूजफुल फॉर रिसर्च ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कैसे ट्रेनिंग आपको अपने एम्प्लॉयज को देना चाहिए, क्या न्यू रिसर्चेस आपको करते रहना चाहिए, कैसे आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हो बिजनेस का, तो ये सब चीजें आपको कौन बताएगा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये क्या है, ये सारी इंपॉर्टेंस है, समझ में आया, ये क्या है, सब इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट। अब थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट में हम बोलेंगे कुछ अलग अलग ऑथर्स ने कुछ अलग अलग थॉट्स दिए मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहले हमारे इसके अंदर है दैट इज क्लासिकल थ्योरी। अब क्लासिकल थ्योरी में क्या है, इसके अंदर हम देखते हैं कि जब क्लासिकल थ्योरी आई उससे पहले था रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब के अंदर क्या होता था, जो एम्प्लॉयर्स थे, जो वो बोलते थे, जो वो ऑर्डर देते थे, बस एम्प्लॉयज वही करते थे। एम्प्लॉयज के पास कोई क्वेश्चनेबल चीज नहीं होती थी कि वो क्वेश्चन कर सके, नहीं, एम्प्लॉयर ने जो बोल दिया बस वही होना है, उसके इसे बोला जाता था रूल ऑफ थंब। उस केस में मैनेजमेंट जैसा कुछ भी नहीं होता था, क्यों, क्योंकि बस बोल दिया एम्प्लॉयर ने ये करना है वो करना है, फिर उनको कोई मतलब नहीं था कि हमें किस तरीके से करना है या क्या करना है, या हम एम्प्लॉयज है थोड़ा उनका ध्यान रखें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, दैट इज रूल ऑफ थंब मेथड। उसके बाद हमारी जब क्लासिकल थियरी आई तो उस केस के अंदर मैनेजमेंट को थोड़ा बहुत ध्यान में रखा गया। जब मैनेजमेंट को ध्यान में रखा गया तो उस केस के अंदर क्या हुआ, प्रॉपर मैनेजमेंट होता गया। 19th सेंचुरी तक हमारा क्या हुआ, क्लासिकल थ्योरी चली। इस केस के अंदर मैनेजमेंट ने थोड़ा एम्प्लॉयज पे भी ध्यान दिया, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अगर एम्प्लॉयज पे ध्यान देंगे तो अच्छे से वर्क करेंगे, राइट, कि हमें पता है कि यार उनकी जैसी एफिशिएंसी है उनके अकॉर्डिंग उन्हें वेजेस देने चाहिए, उन्हें मोटिवेशन देना चाहिए, राइट, उनको हमें कॉपरेट करना चाहिए, उनकी कोई प्रॉब्लम्स है तो उन्हें फेस करना चाहिए हमें। तो ये थोड़ा थोड़ा उन्हें भी मैनेजमेंट जैसा समझ में आने लगा और वो एम्प्लॉयज के साथ थोड़ा कॉपरेट करने लगे। ये हमारी क्लासिकल थियरी के अंदर आई। लेकिन जब क्लासिकल थियरी में कुछ लिमिटेशंस आने लगे, जैसे कि उन्हें कोई मोटिवेशन जैसा कुछ नहीं दिया जाता था, जैसे उन्हें बोल दिया गया कि अगर आप इतना टारगेट अचीव करोगे तो आपको बोनस मिलेगा, राइट, और कुछ मोटिवेशन के लिए हम बोलते हैं आपका प्रमोशन करेंगे हम, तो ये बहुत सारी चीजें कि उनकी केयर की जानी चाहिए, उनके लिए एम्प्लॉयज एक तरीके से हम बोलते हैं फैमिली होती है, उस तरीके का केयर वहां पे नहीं मिलता था। थोड़ा बहुत ध्यान में रख के क्लासिकल थियरी ने थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट तो सीख लिया लेकिन पूरी अच्छे से नहीं सीखे। तो कुछ लिमिटेशन थी जिसको ओवरकम किसने किया, हमारे नियो क्लासिकल थियरी, ठीक है, जब इसमें लिमिटेशन आई तो ये दूसरी थियरी आई। अब इसे नियो क्लासिकल थियरी को बिहेवियर रिलेटेड थियरी भी बोला जाता है। तो एक तरीके से ये नियो क्लासिकल इंक्लूड करता है ह्यूमन बिहेवियर थियरी को भी। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, जो लिमिटेशंस हमने देखी क्लासिकल थियरी के अंदर वो किसने कवर की, नियो क्लासिकल में। जब यहाँ पे पूरा एम्प्लॉयज पे ध्यान दिया गया, एम्प्लॉयज के लिए हर चीज की गई, उनको मोटिवेट किया गया, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए गए, उनके लिए जो उन्हें लगा वो किया गया कि अगर तो आप लोग का टारगेट इतना अचीव होगा तो उस केस के अंदर आपकी वेजेस इंक्रीज कर दी जाएगी, आपको प्रमोशनल फैसिलिटीज मिलेगी, उन लोगों को उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग क्या होता था, वेजेस दिया जाता, उनको एक फैमिली की तरह क्या क्या ट्रीट किया गया, ठीक है। अब उनको अगर कोई प्रॉब्लम्स होती थी तो क्या होता था, एम्प्लॉयर समझता था कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो उनको लीव भी दी जाती थी, उनकी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ किया जाता था, इंश्योरेंस दिया जाता था, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज एमिनिटीज भी दी जाती थी, जब हम बोलते हैं हाउसिंग फैसिलिटीज हो गई, कुछ एडुकेशन फैसिलिटीज हो गई। तो ये सारी चीजें किसके अंदर की गई, नियो क्लासिकल के अंदर, जो हम बोलते हैं एक तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट है,
वो इसे बोला जाएगा न्यू। ये एक तरीके से बेस्ट थियोरी मानी जाती है, इट इज वन, या हम बोल सकते हैं न्यू क्लासिकल थियोरी, इसको बेस्ट थियोरी बोला गया। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, जब हम एम्प्लॉयज एक तरीके से कोई बिजनेस में जाते हैं तो हमारे ऊपर सिर्फ बॉस ही नेचर देते हैं, तो क्या हम वहां ज्यादा काम करेंगे? नहीं करेंगे, ये हमें खुद को पता है। आप 11th 12th क्लियर करके जब बाहर जाओगे, अगर आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कहीं जॉब पे लगना है, तो क्या आप कोई वैसे ही बिजनेस में, एंटरप्राइज में रह सकते हो जहाँ पे सिर्फ आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, आपको सिर्फ काम पे काम दिया जा रहा है, आपका ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है? नहीं, आजकल तो मैम हमारा नेचर ही नहीं है ऐसा, हम तो रह ही नहीं सकते, है नहीं। आज की जो जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग तो कोई भी नहीं टिक सकता, सब में ईगो पावर होता है। क्या हम इतना सुन सकते हैं? नहीं, हमारे पास इतना पेशेंस ही नहीं है। तो इसीलिए ह्यूमन बिहेवियर जो थियोरी आई, ये बेस्ट थियोरी मानी गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता था, उनको एक फैमिली जैसे ट्रीटमेंट दिया जाता था, सब चीजें उनकी सुनी जाती थी, उनको कोई इश्यूज हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, सब कुछ इनकी बात को माना जाता था। दैट इज द बेस्ट थियोरी। एंड लास्ट हमारी जो आई, दैट इज मॉडर्न मैनेजमेंट थियोरी। और मॉडर्न मैनेजमेंट थियोरी में क्या हुआ, ये एक तरीके से हम बोलते हैं मिक्सचर है किसका, क्लासिकल है नियो क्लासिकल का। जब नियो क्लासिकल, आप बोलोगे मैम नियो क्लासिकल इतनी अच्छी थी तो मॉडर्न क्यों आए? देखो, नियो क्लासिकल इतनी अच्छी थी बट वहां लिमिटेशन आ गया, प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दिया गया, वो लोग सिर्फ अपने एम्प्लॉइज पे ध्यान देते थे। आप बोलोगे मैम ऐसा कोई बिजनेस होता है? ऐसा बिजनेस होता है, कैसे? प्रॉफिट पे तो वो ध्यान देते ही थे, लेकिन उससे ज्यादा वो ये सोचते थे यार एम्प्लॉयज हमारे कहीं नहीं चले जाए, हमारे एम्प्लॉयज हमारे पास ही रहे। तो इसके लिए वो उनको ज्यादा सैलरी बोनस ये सब भी देते थे। तो अगर वहां फैसिलिटीज दे रहे तो अपना खुद का प्रॉफिट तो आप कम ही कर रहे हो ना। तो वही चीज है, वो लोग अपने प्रॉफिट पे इतना ध्यान नहीं देते थे। तो इसीलिए मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी आई, जिसने क्या किया, मैनेजमेंट पे भी ध्यान दिया, अपने एम्प्लॉयज पे भी ध्यान दिया और अपने प्रॉफिट पे भी ध्यान दिया, जो कि लिमिटेशन नहीं हो क्लासिकल में थी। तो एक तरीके से ये क्या हुआ, मिक्सचर हो गया दोनों का, क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल का। क्लासिकल में थोड़ा बहुत मैनेजमेंट देखा गया तो इसमें भी देखा गया, और जो प्रॉफिट को नहीं देखा गया न्यू क्लासिकल में वो भी इसमें देखा गया, और ह्यूमन बिहेवियर जो हम बोलते हैं न्यू क्लासिकल में इंक्लूड है वो इसमें आ गया। तो ये सब चीजें क्या हो गई, ये हो गई मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। तो ये कुछ अलग अलग टाइप की थ्योरीज थी जो हमें बताई गई, थॉट्स बताए गए अलग अलग एक्सपर्ट्स, अलग अलग ऑथर्स के। आई थिंक क्लियर है सबको। नाउ कुछ हमारे फ्रेडरिक टेलर है, उसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ठीक है? वो हम देखते हैं क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इज क्लासिकल थियोरी। जो क्लासिकल थियोरी थी उसी को साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी भी बोला गया है। और जो हमारा टेलर है वो एक एक ऑथर था जिसने क्लासिकल थियोरी दी है। तो वही टेलर ने क्या बोला है, देखते हैं क्या है। नोइंगली एग्जैक्टली व्हाट यू वॉन्ट योर मैन टू डू एंड देन सी टू इट दैट दे डू इट टू द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। क्या समझ में आया इससे आपको, कि क्या आप चाहते हो एग्जैक्टली, आप क्या करवाना चाहते हो अपने मैन से, अपने मैन से मतलब अपने एम्प्लॉय से आप क्या करवाना चाहते हो, और उसके बाद देखो वो लोग कितना बेस्टली आपके लिए करते हैं और चीपेस्ट रेट में करते हैं। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी जो किसने दी, टेलर ने दी, कि आपको जो लगता है एग्जैक्टली आप क्या करवाना चाहते हो वो बताओ, और उसके अकॉर्डिंग आपके जो मैन है वो बेस्टली आपके लिए करेंगे एट दी चीपेस्ट। नाउ अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स है, क्या है? फर्स्ट इज साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड मीन्स यहाँ पे टेलर ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताए हैं। साइंटिफिक मेथड मतलब भी वो होता है कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताना, कि अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो ये रूल्स रेगुलेशंस आप फॉलो करके बिजनेस चला सकते हो सक्सेसफुली। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब टेलर बोलता है कोई भी चीज आप करो तो प्लानिंग आपको करनी है। जो हम देखते हैं हमारे चैप्टर्स में ही हमने देखा कि प्लानिंग बहुत जरूरी है, सबसे पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। तो बोल रहे पहले प्लान करो और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करो। देन जॉब एनालिसिस, नेक्स्ट इज जॉब एनालिसिस, किस तरीके से आपको जॉब करना है ना, उसके अकॉर्डिंग आप अपने एम्प्लॉयज को क्या करो, जॉब एनालिसिस करके जॉब को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो उस तरीके से आपका काम क्या हो जाएगा, अच्छे से हो सकता है। तो वही है जॉब एनालिसिस। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स क्या हो गया, कि एक तरीके से अगर हम सोचते हैं कि हमें किस तरीके से वर्क करना है, एक स्टैंडर्ड हम मेंटेन कर लेते हैं कि हमें तो इस तरीके से काम करना है, हमें तो ये इतने रिसोर्सेज यूज करने हैं, तो एक तरीके से वो क्या हो जाता है,
एक स्टैंडर्ड वर्क, स्टैंडर्ड क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है, तो वो भी आप क्या करो, डिसाइड कर लो। ये भी हमारा प्रिंसिपल बोलता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। देन स्पेसिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। सिलेक्शन, कैसे एम्प्लॉयज आपको चाहिए उन्हें सिलेक्ट करो, और उसके बाद उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग दोगे तो ही तो अच्छे से वर्क कर पाएंगे, तो उन्हें ट्रेनिंग तो हमें देना ही पड़ेगा। तो पहले सिलेक्ट करो आपको कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, और कौन सी प्लेसेस पे जरूरत है, कौन से डिपार्टमेंट में जरूरत है, कि ताकि वो स्पेशलाइज तो होनी चाहिए ना जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो पहले आपको ये देखना है कि कौन से डिपार्टमेंट के, कौन से फील्ड के लिए आपको एम्प्लॉयज चाहिए, एंड देन ट्रेन करना पड़ेगा हमें उन एम्प्लॉयज को। देन फंक्शन मोटिवेशन, जो हमने देखा कि फंक्शन मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आप अपने एम्प्लॉयज को कैसे इंकरेज कर सकते हो, वही कि अगर आपका टारगेट हो गया फुलफिल तो आपको वेजेस डबल कर दी जाएगी, जितना एफिशिएंटली आप काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा। तो ऐसे इंसेंटिव्स उनको दो, इस तरीके से उन्हें मोटिवेट करो कि वो अच्छे से वर्क कर सके। देन इकोनॉमिकल, ये प्रिंसिपल बोलता है जितना हो सके उतना आप अपना कॉस्ट को मिनिमाइज करो। आपका प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट क्या होना चाहिए, जो कम से कम होना चाहिए कि सारे कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सके। एंड लास्ट इज मेंटल रिवॉल्यूशन, जो कि हमारा ये प्रिंसिपल बोलता है कि आप अपने रिलेशंस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई अच्छे से मेंटेन करके रखो, फ्रेंकली रखो, इनफॉर्मल रखो, कि कोई भी कुछ भी बात हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर एंड कॉपरेट कर सके। तो दैट इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर। प्रिंसिपल ऑफ टेलर के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्लियर? नाउ टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब यहाँ कुछ टेक्निक्स दी है, क्या टेक्निक्स है? फर्स्ट इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब कि एक तरीके से बताएं कि आपको एक टारगेट दे दिया कि हमें इतने टाइम में इतना फिनिश करना है हमारा वर्क, या आपको एक टारगेट दे दिया कि हाँ ये इस मंथ में मुझे इतने की सेल करनी है। तो ये क्या है, ये एक टाइम स्टडी है कि आपने पहले से अपना टाइम मैनेजमेंट कर लिया कि हमें इतने टाइम में इतना काम करना है। तो बोलते हैं ये भी एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है जो आपको गाइड करता है आपके वर्क के लिए। सेकेंड इज मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी में ये बोलते हैं कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल जो आपको बोलता है कि कम से कम आप अपना रिसोर्सेज वेस्ट करो, कैसे आप अपना रिसोर्स को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे आप अपने स्टाफ का, अपने रिसोर्सेज का, ह्यूमंस का, या मनी का, कैपिटल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप किस तरीके से कर सकते हो, कि ताकि आपका, अगर देखो अगर आपका ज्यादा आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं करोगे तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ी तो आपकी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी डिमांड कम हो जाएगी। तो कॉस्ट को कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हो, वो बोलता है मोशन स्टडी, कि कम से कम आप अपना वेस्टेज करो, कम से कम आपका कॉस्ट होना चाहिए। एंड लास्ट इज डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी। इसमें क्या बोलता है कि जो एम्प्लॉय की जितनी एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग उनको वेजेस दो। ठीक है, अगर किसी का प्रोडक्शन जो कैपेसिटी लेवल है वो है कि वो 1 मंथ में कितना कर सकता है, 50,000 का प्रोडक्शन कर पा रहा है, लेकिन वो कर कितना रहा है, 30,000 ही कर रहा है, तो क्या उसकी एफिशिएंसी लेवल अच्छी है? नहीं, उसने क्या किया, अपने प्रोडक्शन लेवल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया, जितना एफिशिएंटली वो कर सकता था नहीं किया, क्योंकि उसने टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 50 की थी बट किया उसने 30। तो वही वो बोल रहा है कि जितना एफिशिएंटली एम्प्लॉय काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसके वेजेस दो। जरूरी नहीं है सारे एम्प्लॉयज को आप मंथली जो अमाउंट है सेम दो, नहीं, जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको वेजेस दो, इससे वो मोटिवेट होते हैं, एनकरेज होते हैं वर्क करने के। दिस इज ऑल अबाउट द टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर? तो आज का वीडियो हमारा यही फिनिश होता है। अब हमारा जो बचा है वो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज आप लोगों को जो भी समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ तो लग रहा होगा, कुछ तो लग ही रहा होगा, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए कि आपको अच्छा लग रहा है या क्या लग रहा है। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। ओके, सो बाय।